जय हिंद। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे। इस वीडियो में जो एप्लीकेशन लिखकर बताने वाला हूँ और आप लोगों को ऐसा ही एप्लीकेशन लिखना है, ये एप्लीकेशन वैसे कैंडिडेट के लिए है जो डिग्री पार्ट थ्री के एग्ज़ाम दिए थे। वो अपने सभी पत्रों का एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन जब उनका रिजल्ट आया तब उनको किसी न किसी पेपर में एबसेंट कर दिया गया है। और जबकि वो कैंडिडेट उस पेपर का एग्ज़ाम दिए हैं, तो अगर आपको भी एबसेंट कर दिया है तो आप कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे और कहाँ जमा करेंगे, कहाँ कहाँ आप लोगों को जाना पड़ेगा और कितना पैसा लगेंगे, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन है इसे आप लिख करके जाएंगे ना तो कब एक बार भी रिजेक्ट नहीं करेगा, और जिस हिसाब से मैंने बताया उसे आप लोग बस फॉलो करिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आप लोग अपने अपने स्तर से भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन मेरे हिसाब से है, मैंने इस एप्लीकेशन के माध्यम से बहुत से कैंडिडेट का जो है रिजल्ट सुधार करवाए हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, आप लोगों के पास एप्लीकेशन तो रहना ही चाहिए जब आप लोगों का रिजल्ट सुधार करवाना है। और इसके अलावा आपका जो रिजल्ट आया है ना, तो रिजल्ट जो आया है मार्कशीट का फोटो कॉपी आप लोग करा लीजिएगा जो रिजल्ट आया है, ठीक है। इसके बाद जो है आप अपने एडमिट कार्ड की छाया प्रति अर्थात फोटो कॉपी करा लेना है। तीन चीज़, एक रिजल्ट की छाया प्रति, एक एडमिट कार्ड की छाया प्रति और एक ये वाला एप्लीकेशन, तीन चीज़ आपको लेकर के जाना पड़ेगा अपने महाविद्यालय, ठीक है। तो एप्लीकेशन कैसे लिखना है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, बाकी आगे का प्रोसेस आप लोगों को बता दूंगा। देखिए सबसे पहला बात स्टेप लिखना है, देख लीजिए इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। सेवा में श्रीमान परीक्षा नियंत्रक महोदय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, इसका पिन कोड ये हो गया, ठीक है। देखिए ये परीक्षा नियंत्रक के नाम से ही लिखना है। और देखिए द्वारा, किसके द्वारा भेजा जाएगा, तो सबसे पहले तो आप लोगों के अपने महाविद्यालय में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे द्वारा प्रधानाचार्य महोदय और अपने महाविद्यालय का जो नाम होगा वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। जो भी है, PDKJ कॉलेज अंधराठाड़ी होगा या CM साइंस कॉलेज दरभंगा होगा, RK कॉलेज मधुबनी होगा, ठीक है, या समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर है, LKBD कॉलेज जो ताजपुर में है वो है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद फिर से द्वारा लिखना है और आप केंद्राधीक्षक महोदय के नाम से लिखना है। तो आपका सेंटर पार्ट थ्री में कहाँ हुआ था, देखिए आपका अगर थ्योरी पेपर में एबसेंट कर दिया है तो आप थ्योरी पेपर का एग्जाम जहाँ दिए होंगे तो वहाँ पे लिखना है, ठीक है, उसका नाम लिखना है। अगर प्रैक्टिकल में एबसेंट कर दिया है तो प्रैक्टिकल का एग्जाम जहाँ दिए होंगे तो वहाँ का नाम यहाँ पे लिखना है। तो देखिए अधिकतर कैंडिडेट को तो थ्योरी पेपर में क्या है, तो यहाँ पे थ्योरी पेपर का लिख लीजिएगा। जैसे अगर आप लोगों का सेंटर पड़ा होगा पार्ट थ्री में RK कॉलेज मधुबनी, ठीक है, तो आप RK कॉलेज मधुबनी लिख दीजिएगा। DNY में पढ़ा होगा तो DNY कॉलेज मधुबनी लिख दीजिएगा, ठीक है। CM साइंस कॉलेज में पढ़ा होगा तो ये लिख दीजिएगा। MLSM कॉलेज में लिखा पढ़ा होगा तो यहाँ पे सेंटर का नाम लिख देना है, ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ। विषय में आप लोगों को लिखना है स्नातक तृतीय खंड परीक्षा फल सुधार के संबंध में, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं परीक्षा फल या परीक्षा 2023 के परीक्षा फल सुधार करने के संबंध में भी लिख सकते हैं, जिस साल आप एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए ये सब आ जाता है बेचारा सब, इस सब को क्या किया जाए, हटा दिया जाए, चलिए कोई बात नहीं आ जाता है। और ये प्रकृति के दिया हुआ अजूबा चीज़ सब है, इसे भी रहना जरूरी है ना। चलिए कोई बात नहीं। महाशय, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है, सविनय निवेदन यह है कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है। आपके महाविद्यालय / करके देना है विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय खंड, और इसके बाद ब्रैकेट में लिखना है सत्र अपना लिख देना है यहाँ पे 2020-23 के। आप अगर आप कला के होंगे, आर्ट के होंगे तो कला लिखिएगा, विज्ञान के होंगे तो साइंस लिखिएगा, और कॉमर्स के होंगे तो वाणिज्य लिखिएगा। तो आप अपने हिसाब से एक सेलेक्ट करिएगा, उसके हिसाब से लिख दीजिएगा। आप अपने प्रतिष्ठा विषय का नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे, विज्ञान प्रतिष्ठान में मैथ गणित प्रतिष्ठा, ठीक है, जूलॉजी प्रतिष्ठा, या आपका इतिहास प्रतिष्ठा है तो वो आप लिख दीजिएगा। हिंदी होगा तो हिंदी लिख दीजिएगा। का छात्र, अगर आप छात्र होंगे तो छात्र लिखेंगे, छात्रा होंगे तो छात्रा लिखेंगे, ठीक है, छात्र या छात्रा हूँ। मैंने अपने सभी पत्रों की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर दिया हूँ, इससे संबंधित कागजात संलग्न कर दिया हूँ। आप जो दिएंगे कागजात, एडमिट कार्ड देंगे, इसके बाद मार्कशीट की छाया प्रति देंगे, इसके बाद जो है आप लोगों को अपने केंद्र पे जाना पड़ेगा परीक्षा केंद्र पे वेरीफाई कराने के बाद, और वहाँ से मेमो लेना पड़ेगा जिस पेपर का आपने एग्ज़ाम दिए हैं और एबसेंट कर दिया है उसका मेमो लेना पड़ेगा, और वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं प्रोसेस बताऊँगा, इससे संबंधित कागजात मैंने संलग्न कर दिया हूँ। जब परीक्षा परिणाम जारी किया गया तब मुझे
पत्र संख्या, जिस भी पत्र में आपको एब्सेंट कर दिया एक में क्या होगा तो एक में लिखिएगा कि पत्र संख्या 5 में, अगर 2 में क्या होगा तो पत्र संख्या 5 और 6 में या जो भी है 7-8 में एब्सेंट कर दिया गया, अनुपस्थित कर दिया गया। अतः आपसे निवेदन है कि जल्द ही हमारी समस्या का समाधान कर परीक्षा परिणाम को पुनः प्रकाशित करने की कृपा करें, जिससे कि मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा। और इसके बाद ये वाला तो आपको पता ही होगा, आपका आज्ञाकारी छात्र होंगे तो छात्र, छात्रा होंगे तो छात्रा। इसके बाद अपना नाम यहाँ पे लिखना है, विश्वविद्यालय का क्रमांक अर्थात यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना है। ठीक है, इसके बाद यूनिवर्सिटी पंजीयन संख्या लिखना है, और इसके बाद जो है प्रतिष्ठा विषय का आप यहाँ पे से देख लीजिएगा, और सत्र आप लोग को ये लिख देना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है, और साइड में यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देना है, किस तिथि को आप दे रहे हैं वो उसका डेट यहाँ पे लिख देना है, और थोड़ा इस साइड में गैप भी छोड़ना है जैसे मैं छोड़ दिया हूँ। ठीक है, इस हिसाब से गैप छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपके प्रधानाचार्य महोदय वेरीफाई करेंगे, केंद्र अधीक्षक महोदय वेरीफाई करेंगे, और वहाँ का साइन लगेगा, मोहर लगेगा। ठीक है, इसीलिए थोड़ा गैप यहाँ पे छोड़ना है। तो इस प्रकार से का एप्लीकेशन लिखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोग को जाना कहाँ है। देखिए एप्लीकेशन एक बार देख लीजिए, मैं थोड़ा वीडियो को थोड़ा रुका रुका करके दिखा देता हूँ। देखिए एप्लीकेशन कैसे लिखना है, शुरू से देख लीजिए, और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, वैसे ये मैं वेबसाइट पे डाल दिया हूँ, देख सकते हैं आप लोग इस प्रकार से। अब आप लोगों को कहाँ कहाँ जाना है वो मैं यहाँ पे पीछे में बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ये एप्लीकेशन एडमिट कार्ड और जो मार्कशीट निकला होगा उसकी छाया प्रति को लेकर के पहली बात अपने कॉलेज में जाना है, अपने कॉलेज में, ठीक है, दूसरे कॉलेज में नहीं। ठीक है, वहाँ पे प्रधानाचार्य महोदय से इस पर वेरीफाई, इस एप्लीकेशन को वेरीफाई करा लेना है। ठीक है, जब साइन और मोहर के साथ। इसके बाद जो है आप लोगों को दूसरे नंबर पे जाना है, केंद्र पे अर्थात सेंटर पे, जहाँ सेंटर पड़ा था, जिस मैंने पहले ही बताया हूँ, अगर आपका थ्योरी में सेंटर पड़ा था, थ्योरी एब्सेंट हुआ है तो थ्योरी वाला सेंटर पे जाएंगे, अगर आपका प्रैक्टिकल एब्सेंट है तो प्रैक्टिकल वाला सेंटर पे जाएंगे। तो यहाँ पे अपना सेंटर पे जाना है। ठीक है, सेंटर पे जाना है, और ये सभी चीज़ जो दिखाना है आप उनको, और वो दिखाने के बाद कहिएगा कि हमें मेमो लेना है, मैं इस पेपर में एब्सेंट हो गया हूँ, इतने तारीख को पेपर हुआ था, और इसका मेमो दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ना तो यहाँ पे 1 रुपया जमा करना है, नहीं देना है, और ना ही 1 रुपया यहाँ पे देना है, कोई शुल्क नहीं लगेगा, ये आप लोग याद रखेंगे। अब जब आप मेमो ले लीजिएगा यहाँ से, तो उसके बाद फिर मेमो लेकर के और जो एप्लीकेशन है सब चीज़ लेकर के आपको फिर से अपने अपने महाविद्यालय में जाना है। तो तीसरे नंबर पर कहाँ जाना है, अपने ही कॉलेज में आ जाना है, अपने ही कॉलेज में आ जाना है। और जो चीज़ मिला है ना आप, क्या कौन कौन चीज़ मिला, तो पहला तो अपना एडमिट कार्ड की छाया प्रति, ठीक है, दूसरा रिजल्ट की छाया प्रति, तीसरा यहाँ सेंटर से मेमो मिला होगा तो मेमो, चौथा आप जो एप्लीकेशन लिखे हुए थे जिसको वेरीफाई किया गया तो वो एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन, तो ये चार चीज आकर के अपने महाविद्यालय में जमा कर देना है, और 1 भी रुपया इस प्रोसेस में नहीं देना है। ठीक है, और जब आपके महाविद्यालय के द्वारा ये चीज यूनिवर्सिटी भेज दिया जाएगा, उसके बाद जो है आपका रिजल्ट सुधार कर दिया जाएगा, और आपको कहीं भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बाकी ये वाला आप सैंपल इसका फोटो खींचना चाहते हैं या ये फोटो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे डाल दिए हैं, उस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।